अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। दोस्तों वैसे तो आए दिन डीडी फ्री डिश में कोई ना कोई हमारे बीच नया चैनल लॉन्च होता ही रहता है और कुछ चैनल्स कभी कभी हमारे बीच छोड़कर भी चले जाते हैं, लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि जब भी डीडी फ्री डिश में कोई नया न्यूज चैनल लॉन्च होता है या फिर कोई भोजपुरी भाषा का चैनल लॉन्च होता है तो अक्सर यही सवाल बार बार लोग जो है उठाते रहते हैं कि डीडी फ्री डिश को अपना नाम बदल लेना चाहिए और नाम रख लेना चाहिए भोजपुरी फ्री डिश। लेकिन हमारे मन में ये ख्याल आता क्यों है, आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ऐसा कहना पड़ रहा है? उसका कारण सिर्फ देखिए एक है और वो ये है कि डीडी फ्री डिश में सबसे ज्यादा संख्या में आपको भोजपुरी के चैनल्स या फिर न्यूज के चैनल्स देखने को मिल जाते हैं। आखिर डीडी फ्री डिश इन चैनल्स को ही सबसे अधिक लॉन्च क्यों करता है, यानी भोजपुरी भाषा के या फिर न्यूज के? इसके अलावा और भी चैनल्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी तो हमारे बीच लॉन्च हो सकते हैं ना, तो आखिर उनको मौका क्यों नहीं मिल पाता है? दोस्तों उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और आपके जो भी मन में भावनाएं चल रही हैं डीडी फ्री डिश को लेकर, जब भी हमारे बीच कोई नया भोजपुरी चैनल जुड़ना चाहता है तो हमेशा मन में यही ख्याल आता है कि भोजपुरी फ्री डिश जो है वो डीडी फ्री डिश को अपना नाम रख लेना चाहिए। इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। देखिए वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि डीडी फ्री डिश आज के वक्त में आपको जो भी चैनल्स दिखा रहा है वो सभी अच्छे खासे चैनल्स दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर हिंदी धारावाहिक के चैनल्स की बात करें तो आपको जी अनमोल, स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, सोनी पल, शुमारू टीवी, डीडी रेट्रो और भी अनगिनत चैनल्स जो हैं वो आपको हिंदी धारावाहिक में दिखाने को मैं पूरी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों की बात करें तो यहाँ पर आपको रिश्ते से नब्लैक्स ढिंचक मिल रहा है, जी अनमोल सिनेमा मिल रहा है। इसके अलावा कुछ फ्री टूर के हिंदी फिल्मों के चैनल भी आपको देखने को दे देता है। इसके अलावा अगर म्यूजिक में बात करें तो आपको एमटीवी बीट्स मिल रहा है, इसके अलावा 9XM मिल रहा है, मस्ती मिल रहा है, बी4ई म्यूजिक मिल रहा है, जिंग मिल रहा है। तो मेजर चैनल्स की बात करें तो आपको हर एक जनर में मिल ही रहे हैं। अगर आप न्यूज में बात करें तो न्यूज में आपको देखिए आज तक मिल रहा है एनडीटीवी इंडिया, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, इसके अलावा इंडिया टीवी, न्यूज 24, रिपब्लिक भारत। तो देखा जाए तो अधिकतर जो मेजर चैनल्स हैं आपको मिले रहे हैं वो भी जिंदगी भर हमेशा मुफ्त में। जी हाँ, इसके अलावा कोई भी कीमत देने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो ख्याल जरूर आ जाता है जब भी हमारे बीच न्यूज चैनल्स की भरमार लगने लगती है या फिर कह लीजिए तो भोजपुरी भाषा का कोई भी नया चैनल हमारे बीच लॉन्च होने जा रहा होता है। ये बात बिल्कुल सच है कि डीडी फ्री डिश में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ भोजपुरी चैनल्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे अधिक संख्या में भोजपुरी जो चैनल्स हैं वो डीडी फ्री डिश में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डीडी फ्री डिश को कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि डीडी फ्री डिश की इसमें कोई भी गलती नहीं रहती। डीडी फ्री डिश एक ऐसी डीटीएस सर्विस है जिसमें चैनल जो है वो खुद इच्छुक होता है अपने आप को लॉन्च करवाने के लिए। डीडी फ्री डिश की ओर से कभी भी किसी भी चैनल को खुद से मौका नहीं दिया गया है, फिर डीडी ने खुद से कभी भी किसी चैनल को लॉन्च नहीं किया है। जो भी चैनल इनकी ई ऑक्शन में भाग लेता है और अगर वह सक्सेसफुली डीडी फ्री डिश को पेमेंट कर देता है तो वो जो चैनल है वो आपके लिए लॉन्च हो जाता है। और यही प्रक्रिया जो है वो हमेशा अंजाम दी जा रही है जब से ई ऑक्शन हमारे बीच होती आ रही है। और अब भोजपुरी जो चैनल्स आपको सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं तो वो कारण ये है कि जितने भी भोजपुरी के चैनल्स हमारे बीच लॉन्च हुए हैं या फिर लॉन्च होने जा रहे हैं या फिर लॉन्च हो चुके हैं वो डीडी फ्री डिश में भाग लेने की जरूर कोशिश करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे अधिक जो ऑडियंस है भोजपुरी मार्केट है वो डीडी फ्री डिश से हमें मिलेगी। देखिए हर एक जगह पे जो है ना रिच मायने रखती है। अगर आप बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक डीडी फ्री डिश डीटीएच का इस्तेमाल करती है। वहाँ पर प्राइवेट डीटीएच इस्तेमाल हो रही है लेकिन साथ ही में डीडी फ्री डिश की संख्या भी सबसे अधिक वहीं से उत्पन्न हो रही है। यानी कहीं ना कहीं मार्केट जो शेयर है वो डीडी फ्री डिश का भोजपुरी से काफी उठकर आ रहा है। इसकी वजह से जितने भी भोजपुरी चैनल्स होते हैं वो डीडी फ्री डिश में अपने चैनल को लॉन्च जरूर करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि डीडी फ्री डिश में अगर हमारा चैनल लॉन्च हो गया तो हमारी जो चैनल की टीआरपी है वो काफी ऊंची पड़ जाएगी, यानी काफी हम आगे तक पहुंच जाएंगे टीआरपी में और इसकी वजह से एडवर्टीजमेंट्स के जो रेट्स हैं वो भी काफी हमें अच्छे खासे मिल जाएंगे। जितना चैनल में हमने लॉन्च करवाने के लिए इनकम लगाया था, पैसा लगाया था, वो सभी के सभी रिकवर हो जाएगा सिर्फ डीडी फ्री डिश में लॉन्च करने से। इसी वजह से आपको सूर्या भोजपुरी, भूईपुरी भोजपुरी, अनगिनत चैनल्स आपको मालूम है चल रहे हैं तो डीडी फ्री डिश में आपके लिए जरूर लॉन्च होते हैं। आने वाले समय में एंटरटेन रंगीला भी आपके लिए लॉन्च होने वाला, चिंता मत कीजिए। और आने वाले समय में और भी अगर कोई भोजपुरी चैनल मार्केट में उतरने वाला है तो वो भी आपको डीडी फ्री डिश में जरूर लॉन्च होते हुए दिखा करेगा। इसके अलावा न्यूज चैनल्स की बात करें तो न्यूज चैनल्स का भी काम यही है
मोस्टली जो चैनल्स हैं वो टीआरपी की वजह से ही डीडी फ्री डिश में भाग लेते हैं, और उनको कभी कभी ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हमें यहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। खासकर उनका जो बेनिफिट है वो एमपीजी 4 के स्लॉट से नहीं मिलता है, एमपीजी 2 से ही मिल पाता है, क्योंकि एमपीजी 4 के जो ग्राहकों की संख्या वो बेहद कम है। इसकी वजह से जो भी चैनल एमपीजी 4 में लॉन्च होता है वो कुछ ही वक्त के बाद वहां से भी ड्रॉप कर लेता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर डीडी फ्री डिश में सबसे अधिक आपको भोजपुरी के चैनल्स और न्यूज के चैनल्स देखने को मिलते हैं। और आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि हमारे बीच साउथ इंडियन चैनल जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा के चैनल लॉन्च क्यों नहीं होते हैं, तो उसके पीछे भी कारण यही है कि डीडी फ्री डिश की जो रिच है यानी जो व्यूवरशिप है वो उस जगह बेहद कम है। वहां के जो लोग हैं वो डीडी फ्री डिश को काफी कम लगवाते हैं, बहुत ही कम लगवाते हैं। इसकी वजह से चैनल जो है वो डीडी फ्री डिश में लॉन्च नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर मान लीजिए मेरा चैनल है और मुझे पता है कि वहां पर कोई डीडी फ्री डिश इस्तेमाल ही नहीं करता, तो मैं अपने चैनल को डीडी फ्री डिश में लॉन्च क्यों करूंगा, मैं अपने 5-10 करोड़ रुपए क्यों वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां से मुझे टीआरपी आनी नहीं है, तो डीडी फ्री डिश में उस चैनल को लॉन्च करने का क्या फायदा। इसकी जगह पर मैं उस डीटीएच का चुनाव करूंगा जिसकी रिच वहां पर सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों यही खेल है यहाँ पर, केवल और केवल व्यूअरशिप का खेल चल रहा है। जहां पर सबसे अधिक रिच पाई जाती है वही चैनल सबसे अधिक यहाँ पर लॉन्च होता है, और जिसकी रिच काफी कम है कई जगहों पर तो वो चैनल वहां पर भाग लेने में अपने आप को फायदा नहीं समझता। बाकी इसके मन लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन चल रही हो तो नीचे मुझे अभी भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।